Welcome to another video of One Piece. Today we're gonna talk about One Piece chapter 1093. We have come to know so many things about One Piece 1093 chapter, and ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो बहुत ज़्यादा important है. Like Saturn की look इस वाले chapter के अंदर, जिसको लेके बहुत सारे लोग के अंदर बहुत सारे सवाल है. Not only that, हम लोगों को Vegapunk and Bonnie के बारे में बहुत कुछ पता चला इस वाले chapter के अंदर. And Kuma तो है of course. And सबको छोड़ के भी Zoro, Lucci plus Sanji, Franky और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसके बारे में discuss करना चाहूँगा. And main चीज़ Admiral versus an Emperor का battle जो for the वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं. चलिए 1093 के बारे में खुल के बातचीत करने वालों, बट शुरू करने से पहले बता देता हूँ यार, तुम लोग मेक श्योर के अंगूठा लगा रहे हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट करो. डू इट फॉर नामी चुआन भाई. चैप्टर 1093 जो जहां पर खत्म हुआ, चैप्टर 1093 वहां से स्टार्ट हुआ. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लूफी वर्सेस किजारू, जहां पर हम लोगों ने देखा किजारू ने लूफी को एकदम फेंक के मारा, बट लूफी गियर 5 और जायंट किजारू को एकदम से अपने हाथों में पकड़ लेता है भाई. एडमिरल की अखंड बेइज्जती यार. आई डोंट फॉरगेट लूफी इज सन गॉड हुए. मैं फ्यूचर में देखना चाहूंगा किजारू को थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेते हुए, एकदम रेज में, थोड़ा गुस्से में या सैड डिप्रेशन से मैं देखना चाहूंगा किजारू को. नॉट ओनली मी, मेरे को लगता है सारे के सारे वन पीस फैंस देखना चाहेंगे, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने किजारू का बस एक ही एक्सप्रेशन देखा है, वो हर एक सिचुएशन में धोनी की तरह काम रहता है. बट हम लोग अभी पता है किजारू वर्सेस लूफी अभी स्टार्ट हुई, फाइट बहुत दूर तक जाने वाली है. एंड किजारू एट सम पॉइंट बहुत ज्यादा रेज में होगा, गुस्सा होगा, अपना इमोशन जो है वो दिखाएगा. किजारू जैसे बनता फिरता है, उसके पीछे जो एक साइड, एक डिफरेंट साइड ऑफ किजारू जो हम लोग देखने वाले इन फ्यूचर. उसके बाद एकदम से किजारू वर्सेस लूफी का मोमेंट को साइड में रखे हम लोग चले जाते हैं कंट्रोल रूम में, जहाँ पर विगापंग डिसाइड करता है फेब्रियो फेज में जाने के लिए विद सांजी एंड एटलास, बिकॉज वो लोग बॉनी को सेव करना चाहते हैं. और जो पैसिफिस्ट्स के ऑर्डर्स है जो किजारो ने चेंज करके रखा लास्ट वाले चैप्टर में, हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है, तो उस वाले ऑर्डर को फिर से चेंज करने के बारे में सोच रहे विगापंग. तो दैट्स द रीजन हम लोग जा रहे हैं फेब्रियो फेज पर टू चेंज पैसिफिस्ट्स ऑर्डर विद द अथॉरिटी चीफ. और वहां तक जाने के लिए विगापंग अपना खुद का व्हीकल यूज करता है जिसका नाम है वेगा टैंक. अब देखो यहाँ पर विगापंग बॉनी को सेव करने के लिए नीचे जा रहा है, तो इससे हम लोगों को पता चलता है अभी कुछ ऐसा है जो विगापंग करना चाहता है फॉर बॉनी ऑन दिस आइलैंड. एक हेट की बात कर रहा. अब यहाँ पर हम लोगों को पता नहीं कि वेगापंग एक्चुअल में करना क्या चाहता है बॉनी के लिए, वी हैव नो आइडिया, हम लोग बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं. और ये मत भूलो सांजी भी जा रहा है नीचे वेगापंग के साथ, एंड सांजी लव्स वुमेन, केयर्स फॉर वुमेन, और बॉनी इज अ वुमेन, तो सांजी गोना सेव बॉनी फॉर श्योर. और जो वेगापंग है ही ओज समथिंग टू बॉनी, दैट्स द रीजन ही इज गोइंग टू हेल्प बॉनी. बट हम लोगों को पता है नीचे जाने के बाद सब कुछ आसान भी नहीं होने वाला है, बिकॉज नीचे सैटर्न है, वाइस एडमिरल्स है, मरीन्स है, और जो पैसिफिस्ट्स है वो भी उनके कंट्रोल में है, तो बहुत दिक्कत वाली बात होने वाली है. और इसके बाद हम लोगों ने देखा वेगापंग रिफर्स टू बॉनी एज अ लिटिल चाइल्ड, वो बॉनी के बारे में ऐसे बात करता है जैसे बॉनी एक छोटी मोटी सी बच्ची है. इट सीम्स बॉनी रियल एज मे बी यंगर देन वी थिंक. और कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत बार नोटिस किया बॉनी एक बच्चे की तरह एक्ट करती है, और मेरे को तो पहले से लगती होगा बॉनी छोटी मोटी बच्ची तो नहीं है ना भाई. यह डाउट करने के पीछे ऑफ कोर्स रीजन हम लोग प्रीवियस बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर देख के रखा है, तो बॉनी एक्ट लाइक अ बेबी. और ऊपर से हम लोगों ने देख के रखा बॉनी अपनी एबिलिटी यूज करते हुए वो लोगों को ओल्डर बना देती है, वो लोगों को यंगर बना देती है, और कभी कभार तो हम लोगों ने देखा वो लोगों को बेबीज में कन्वर्ट कर देती है. यार डोंट फॉरगेट वी सॉ हर अल्टर हर ओन एज एट मरिजुआ, याद है या फिर भूल गए तुम? तो यहाँ से थोड़ा बहुत सेंस बनाता है, डाउट जाता है कि जो हमारी बॉनी है शी इज समवन यंगर देन व्हाट वी थिंक शी इज. अब इसके बारे में डिटेल्स में बात नहीं कर रहा, मेरे को ऐसा लगता है तो मैंने इसलिए बोला, बाकी ओडा के हाथों सब कुछ है. अब देखो विगापंग बॉनी को एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है, इट्स मे बी बिकॉज विगापंग इज टू ओल्ड, उसके लिए बॉनी के आसपास की उम्र के सारे लोग बच्चे ही है, आई थिंक दैट्स नॉर्मल. बाकी तो क्या पता ओडा कुछ ट्विस्ट लेकर आ जाए सामने. उसके बाद हम लोग देखते हैं नामी, उसोप और एडिसन जो है वो कंट्रोल रूम में रहता है, और जो हमारा जिम्बे है वो सारे के सारे विगापंग के स्टफ्स को आइलैंड के पीछे लेकर जाता है. एंड लिलिथ इज यूजिंग फ्रैंकी शोगन टू कैरी 1000 सनी एट द सेम पॉइंट. नॉट ओनली दैट फ्रैंकी भी नीचे जा रहा है फेब्रियो फेज में. अब ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फ्रैंकी सांजी जिम्बे सारे के सारे एक साथ है, तो हम लोग कुछ फाइट्स तो खतरनाक नीचे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. यहाँ पर बातचीत करने लायक बहुत सारे चीज है, जैसे लिलिथ जो फ्रैंकी के शोगन को यूज करी, तो मेरे को लगता है लिलिथ कैन अपग्रेड फ्रैंकी शोगन अ लिटिल, थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकती है, बहुत बढ़िया अपग्रेड कर सकती है. और यहाँ पर अगर तुम वेगापंक और फ्रैंकी को एक साथ रख रहे हो तो अपग्रेड वाली चीज ना होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई. मैं बोलूंगा इस वाले आइलैंड के सारे कैरेक्टर्स के कोई ना कोई रोल्स है, जैसे एज एग्जांपल जिम्बे को उठा लो यार, वेगापंक के जितने स्टफ्स है वो खुद लेकर जा रहा है, इज कंट्रीब्यूटिंग ऑफ कोर्स. एंड नीचे वो थोड़ा बहुत फाइट भी करने वाला जो हम लोगों को पता है. अब मेरे को पता है जो सांजी है वो सबसे ज्यादा संभालने वाला है नीचे, मरीन्स वगैरह है, फाइट वाइट करेगा, बट उसके साथ साथ जिम्बे एंड फ्रैंकी गोना प्ले अ बिग पार्ट. फिर इन सब के बाद सीन एकदम से चेंज हो जाता है और हम लोग चले जाते हैं फेब्रियो फेज में. वहां पर हम लोग देखते हैं बॉनी इज फाइटिंग अगेंस्ट मरीन. फिर हम लोगों ने देखा एक हेड के बैरियर के साथ बॉनी धक्का खा के नीचे गिरने वाली होती है, एंड तब भी जाके सेंटोमारो जो है उसको बचा लेता है, एंड बचाने के बाद ही सेंटोमारो पास्ट आउट. आई डोंट नो तुम्हें से कितने लोग
एग्री करोगे या नहीं, बट मेरे को फॉर सम रीजन ऐसा लग रहा है जो सेंटोमारो है ये आर्क के एंड होने पर वो मरने वाला, वी आर गोना लूज सेंटोमारो फॉर श्योर। और ऊपर से हम लोगों ने लास्ट वाले चैप्टर के अंदर सेंटोमारो का जो फ्लैशबैक है वो देख के रखा है कि वो कैसे वेगा पंक का बॉडी गार्ड बनता है। तो यहाँ पर तो वेगा पंक के साथ सेंटोमारो का कनेक्शन बना ही दिया। और यहाँ पर हम लोगों को पता है जितने मरीन्स है, वाइस एडमिरल्स है, जो एडमिरल है किजारू, सब लोग यहाँ पर क्यों है, ऑफकोर्स वेगा पंक को एलिमिनेट करने के लिए। और फ्लैशबैक के अंदर हम लोगों ने देखा सेंटोमारो को वेगा पंक का बॉडी गार्ड बनते हुए। यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है लास्ट में जब वेगा पंक और बाकी सारे लोग इस आइलैंड को एस्केप करने लगेंगे तब किजारू इंटरफेयर करेगा, बिकॉज उसको ये मिशन मिला है वेगा पंक को एलिमिनेट करने का। तब मोस्ट प्रोबब्ली किजारू एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाला है वेगा पंक के ऊपर, एंड मोस्ट प्रोबब्ली तब भी हमारा जो सेंटोमारो है वो बीच में आ जाएगा टू प्रोटेक्ट वेगा पंक एज ही वाज द बॉडीगार्ड ऑफ वेगा पंक फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, जैसे हम लोगों ने फ्लैशबैक में देखा है। तो वो जो खतरनाक हैवी ब्लो है वो अपने ऊपर ले लेगा सेंटोमारो एंड ही विल डाई। मेरे को ऐसी फीलिंग्स आ रही है बिकॉज सेंटोमारो का भी फिलहाल कोई फ्यूचर नहीं, वो स्ट्रॉ हैट्स के साथ नहीं जा सकता, नहीं जाने वाला है भाई, वो बैडली इंजर्ड है, ही कांट इवन मूव। तो आइलैंड को एस्केप करने के बाद भूल ही जाओ, और ना ही वो मरीन्स में जा सकते बिकॉज उनके साथ उसका रिश्ता खत्म है। यहाँ पर जितने पॉइंट है सारे के सारे जाके एक ही जगह इंडिकेट कर रहे हैं सेंटोमारो विल डाई एंड किजारो विल बी द वन जो उसको मारेगा, जानबूझ के नहीं, ऑफ कोर्स सेंटोमारो बीच में आ जाएगा एंड ही विल टेक द ब्लू। और हम लोगों को पता है द बॉन्डिंग बिटवीन सेंटोमारो एंड किजारो, जिससे फाइनली हम लोग किजारो को एक अलग इमोशन के साथ देखने वाले हैं, अलग एक्सप्रेशन के साथ देखने वाले हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बिकॉज अभी तक तो किजारो एकदम से शांति है, बट इस आर्क के एंड में हम लोग कुछ डिफरेंट, कुछ सैड मोमेंट्स देखने वाले हैं फॉर श्योर। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग को टच करने के लिए ऑफ कोर्स वी आर गोना सी सम गुड बैक स्टोरी बिटवीन किजारो एंड सेंटोमारो। बाकी इसके बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन बता सकते हो, बट अभी तक मेरे को यही लग रहा है। और इन सब के बाद हम लोग चले जाते हैं जोरो वर्सेस लुच्ची के फाइट में। हम लोगों ने देखा जोरो के सोर्स से फ्लेम्स निकल रहे हैं एंड लुच्ची इज यूजिंग इस अवेकन फॉर्म। ये लग बातें हम लोगों ने काको को आसपास तक नहीं देखा बिकॉज काको को ऑफ कोर्स सांजी ने यार बबल के अंदर घुसा दिया, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। बट जोरो वर्सेस लुच्ची, व्हाट डू थिंक ऑफ इट? मैं बोलूंगा यार लाइक पर रियल लुच्ची को मतलब पर कितना नीचे गिराओगे तुम लोग यार। आया था लुफी के साथ फाइट करने, बदला लेने के लिए, वो एनियस लॉबी वाला बदला यू नो, बट लुफी ने तो एक मजाक बना दिया गियर 5 के साथ, उसने एकदम 10 सेकंड में सब कुछ खत्म कर दिया एंड लुच्ची वहां पर बैठा था मौके का इंतजार कर रहा था, बट उसको मौका मिला विन आउट जोरो वर्सेस लुच्ची। बट मैं बोलूंगा लुच्ची स्टैंड्स नो चांस विद जोरो भाई। नहीं भाई, जोरो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, लुच्ची उसके सामने कुछ नहीं है इन माय ओपिनियन। और हम लोगों ने कहा जोरो के सोर्स से फ्लेम्स बाहर आ रहे तो इससे बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल आ सकते, तो मेरे को यहाँ पर लगता है कि भाई ये जोरो का कहीं ना कहीं एक न्यू एबिलिटी हो सकता है किंग के साथ फाइट करने के बाद जो आया, जिससे हम लोग देखने वाले जोरो जब रेज में होता है थोड़ा बहुत गुस्से में होता है तभी एबिलिटी वर्क्स। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जो जोरो का ये फ्लेम सोर्ड है ये एक टेक्निक है जो उसने सीखा है कीमोन से, आई मीन कीमोन ऑफ फॉक्स फायर। अब जोरो के सोर्ड में हम लोगों ने फ्लेम देख लिया तो ऐसा भी हो सकता है जोरो को ना यूज किंग ऑफ हेल ऑन गेन अगेंस्ट लुच्ची, बट आई फील लाइक कि यहाँ पर किंग ऑफ हेल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज अभी जोरो बहुत ज्यादा वैसे भी स्ट्रांग बन गया, आई डोंट थिंक लुच्ची के साथ फाइट करने के लिए उसको किंग ऑफ हेल यूज करने की जरूरत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जोरो बोलता है विद दिस लेवल यू वोंट गेट टू फाइट आवर कैप्टन, लुच्ची सीरियसली बोलता है इट इज वर्थ किलिंग द नंबर 2 ऑफ अ यंको स्क्रू। तुम समझ रहे हो, उसको समझ में आ गया कि ही कांड टच लूफी, तो अभी वो नंबर 2 जो है वो मानता है जोरो को। अब मेरे को याद आ रही है एगेट के स्टार्टिंग में लुच्ची लूफी को एज ए यंको नहीं देख रहा था, बट अभी वो लूफी की पावर देखने के बाद लूफी को एज ए यंको कंफर्म कर रहा है। अब ये सुनने के बाद सेटिस्फेक्शन लेवल अलग ही है। बट हम लोगों को पता है इस वाले आर्क के अंदर लुच्ची एज ए कैरेक्टर इज अ बिग एल, CP0 बिग एल, CP9 बिग एल, काकू बिग एल, एल के ऊपर एल है ये लोग। अब यहाँ पर हमारे स्ट्रॉ हेड्स वो पहले जैसे नहीं, इनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट्स आए स्पेशली लुफी जोरो, इनके लिए CP0 CP9 ये लुच्ची वगैरह कुछ नहीं है। तो आई डोंट नो ओडा यहाँ पर ऐसे क्यों दिखा रहा है लुच्ची हैज अ चांस टू बीट जोरो, जो हम लोगों को पता है 0% है भाई। उसके बाद हम लोग दोबारा आ जाते हैं लुफी वर्सेस किजारो के फाइट के अंदर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं लुफी किजारो को फेंक के मारता है एकदम सी के आसपास, बट किजारो बोलता है ओ आई एम गोइंग टू फॉल इनटू द सी, मैं गिरने वाला हूं। हाँ, किजारो एक्चुअली में ऐसे ही बात करता है भाई। फिर हम लोगों ने देखा किजारो उड़ के वापस आ जाता है एंड क्रिएट्स मल्टीपल लाइट्स ऑफ क्लोन्स ऑफ हिमसेल्फ। किजारो को जो यासाकानी मागातामा टेक्निक है उसका एक्सटेंडेड वर्जन लग रहा है मेरे को ये, या फिर तुम इसको बोल सकते हो ये मल्टी क्लोन लाइटनिंग नो जुत्सु हुआ, बिकॉज हम लोग देख रहे थे बहुत सारे किजारो बन गए एकदम से सारे के सारे लाइट में किजारो की जरूरत, जो लुफी देखते एकदम पागल हो जाता है, एकदम आंखें बाहर आ जाती है लुफी की। एंड किजारोस क्लोन गिव लुफी माइनर इंजुरीज विद देयर लाइट सोर्ड्स। मैंने क्या बोला, माइनर मतलब छोटी मोटी इंजुरी है। अब किजारो का पावर बहुत ज्यादा है, क्लोन्स की पावर बहुत ज्यादा है, उसकी लाइट की पावर बहुत ज्यादा हम लोग को पता है, बट इस पावर से हिट होने के बाद भी लुफी को एक छोटी मोटी चोट लगी, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ है ना गियर 5 मस्त, मेरे को पहले से लगा था कि भाई लुफी ज्यादा डैमेज नहीं लेने वाला है किजारो से,
इतने खतरनाक अटैक करने के बाद ही लूफी को छोटी मोटी चोट लगी, और अगर कोई और होता तो वो खत्म था भाई। फिर हम लोग देखते हैं लूफी यूज करता है गोमू गोमू और डॉन स्टेम जो एक नया अटैक है टू डिस्ट्रॉय ऑल किजारो क्लोन्स, बट सारे क्लोन्स डिस्ट्रॉय होने के बाद वो देखता है किजारो वहां पर है ही नहीं, बिकॉज जो असली वाला किजारो है वो चला जाता है कंट्रोल रूम के वहां पर वेगा पंक को मारने के लिए, बट वेगा पंक वहां से ऑलरेडी जा चुका था। फिर हम लोग देखते हैं किजारो फ्लैश टुवर्ड द वेगा पंक एंड अटैक इट विद लाइट, बट हमारा जो लूफी उसको फॉलो करते उसके पीछे जाता है एंड वेगा टैंक के सामने जाके खड़ा हो जाता है एंड लूफी टेक्स इन किजारो स्लाइट एंड स्प्लिट इट इन मल्टीपल डायरेक्शन। भाई यार अभी तो मजा आ रहा है भाई, किजारो लूफी से बार बार दूर जा रहा है फाइट को छोड़ के, अलग डायरेक्शन में जा रहा है फाइट को अवॉइड कर रहा है, और लूफी यार सुपर ग्लू फेविकोल की तरह चिपका है किजारो से। किजारो अपने शैडो क्लोन यूज करके लूफी से भाग गया, बट लूफी बार बार किजारो के साथ जा रहा है फाइट करने के लिए, और हमारा किजारो भी यार अवॉइड कर रहा है उसका, एडमिरल का मजाक बन रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हमको पता है किजारो को जो अपना मिशन मिला है वो है वेगा पंक को एलिमिनेट करना, बट लूफी बीच में इंटरफेयर कर रहा है बिकॉज उसको वेगा पंक को बचाना है, बट यहाँ पर किजारो उसके साथ फाइट करके भी जा सकते हैं, बट नहीं किजारो हमारे लूफी को अवॉइड कर रहा है। अब ऐसे करने के पीछे रीजन है बिकॉज किजारो को खुद पता है लूफी इज वे मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग, और लास्ट वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने खुद देखा किजारो बोल रहा था कि तेरे पावर देखने के बाद पता चल रहा है तूने एक आदो को डिफीट किया है, तो तुमको क्या लगता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पूरे वन पीस सीरीज के अंदर हम लोग देखने वाले एडमिरल की डिफीट, बिकॉज इससे पहले अभी तक कभी एक एडमिरल की डिफीट हम लोगों ने वन पीस सीरीज के अंदर नहीं देखा, एंड वो भी एक योंको एम्पायर एडमिरल को हराने वाला है। मेरे को तो ऐसी फीलिंग्स आ रही है, तुम्हें से बहुत सारे लोग बोल सकते जो शांक्स है, इससे पहले हम लोगों ने देखा ग्रीन वॉल को भगा दिया था, बट वो बैटल नहीं था, वो वन वी वन फाइट हुआ ही नहीं भाई, शांक्स ने दूर से हाकी यूज किया फिर ग्रीन वॉल चला गया, यू कांट काउंट इट एज अ डिफीट फॉर ग्रीन वॉल, ना भाई वो बैटल हुआ ही नहीं। अभी एक प्रॉपर बैटल है बिटवीन किजारो एंड लूफी, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शायद हम लोग देखने वाले एक डिफीट एडमिरल का जो पूरी दुनिया को हिला के रखने वाला है, और हम लोगों ने फाइनली देखा वेगा पंक वेगा टैंक के अंदर एकदम सेफली फेवरियो फेस पे पहुंच जाता है, और चैप्टर के एंड में हम लोगों ने देखा एट लास्ट फाइनली यार किजारो के ऑर्डर को रीराइट करके सारे के सारे पैसिफिस्टर्स को अपने अंडर में ले लेता है, बट इन द लास्ट पैनल द सीन चेंजेस व्हेन वी सी सैटर्न स्टेयरिंग मिनिसिंगली। बहुत गुस्से में था सैटर्न, बहुत ही ज्यादा, उसको गुस्सा होना ही था ना यार, ही वांटेड हिज प्रेजेंस टू बी हिडन अंटिल द टाइम कम्स व्हेन ही फाइनली एक्ट्स भाई, बट अभी वेगा पंक उसके सामने खुद चल के आया तो अभी तो वो एक्ट करेगा, ये नॉर्मल है। अब सैटर्न गुस्से में है, इसको तुम लाइटली मतलब, बिकॉज एनिमे हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने देख के रखा है जो ओल्ड कैरेक्टर्स है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर तुमको क्या लगता है, क्या सैटर्न सच्ची में सारे के सारे पैसिफिस्टर्स को अपने कंट्रोल में ले लेगा वापस? अगर ऐसा हो भी जाए कि सारे के सारे पैसिफिस्टर्स फिर से अपने कंट्रोल में ले ले सैटर्न, ये मत बोल दियर से जायंट रोबोट जिसको हम लोग जागते हुए देखा उसको भी दिखाना बाकी है। अगर सैटर्न सारे के सारे पैसिफिस्टर्स को अपने कंट्रोल में ले ले तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जायंट रोबोट वर्सेस ऑल पैसिफिस्टा के फाइट देख सकते, जहां पर ऑफ कोर्स जायंट रोबोट जीतने वाला है। पर यहां पर हम लोगों को पता नहीं कि सैटर्न सच्ची में ऐसा करने वाला भी या फिर नहीं, वेगा पंक बहुत चला गया मत भूलो। और यहां पर इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को दिखाने वाला है जायंट रोबोट का कुछ मोमेंट वगैरह जो लास्ट चैप्टर में खत्म हुआ, बट ऐसा हुआ। यहां पर हम लोगों को ये भी पता नहीं जो जायंट रोबोट है वो हमारा दुश्मन है या फिर दोस्त है, हमारे अगेंस्ट में रहेगा या फिर हमारे साथ, बोलना थोड़ा बहुत मुश्किल है, बट ऐसा हो सकता है कि वो हमको एस्केप करने में मदद करे। और ऐसा भी हो सकता है दैट जायंट रोबोट माइट डील विद ब्लैक बियर्ड पायरेट जो इस वाले आइलैंड के अंदर है, ये मत भूलो यार, वो लोग बस सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है हमारे स्ट्रॉ हैट्स जो है यहाँ से एस्केप तो कर लेंगे, पर बीच में ब्लैक बियर्ड आके मरीन्स के साथ इंटरफेयर कर देंगे यार। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, बट मेरे को लगता है जब तक हमारे स्ट्रॉ हैट्स यहाँ से जाएंगे तब तक एक खतरनाक बढ़िया न्यूज बन जाएगी पूरी दुनिया के अंदर, लाइक किजारो एक एडमिरल की डिफीट या फिर जो सैटर्न है उसकी डिफीट जो पूरी दुनिया को हिला देगी यार, और लूफी और स्ट्रॉ हैट्स पायरेट को भी बहुत ही डेंजरस माना जाएगा, एंड दिस न्यूज विल स्प्रेड एवरीवेयर। और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका होने वाला है। ये इगेट आर्क एक एस्टियर आर्क है, बहुत कुछ है सामने देखने के लिए। नेक्स्ट वीक ब्रेक है जो यार मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ब्रेक यार ब्रेक ही तो पसंद नहीं है, बट चलो बाकी तो मैंने डिस्कस किया ए टू जेड, और तुम लोग बताओ अपने ओपिनियन बताओ यार, शेयर करो थॉट्स में, कमेंट रीड करते, और मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार अंगूठा लगाओ, इट हेल्प्स मी टू कीप मेकिंग वीडियो फॉर यू गाइस, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा है उसे बाकी ऑल पे सेट करो। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है next video, Matt.